नमस्कार दोस्तों, धार्मिक पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण के पहले सुदर्शन चक्र श्री विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान श्री विष्णु से यह चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था। इसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ और उन्होंने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की? आइए जानते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने पूर्ण लहजे से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। उस युग में सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी अधिक सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के सवालों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति में कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तभी भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए यह सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, आप जाओ और हनुमान को बुला लाओ और उनसे कहना कि श्री कृष्ण ने आपको द्वारिका बुलाया है। तब गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे और कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, आपको भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बुलाया है। तो हनुमान जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं प्रभु श्री राम के अलावा किसी और को नहीं जानता और उन्होंने आने से मना कर दिया। जब गरुड़ ने द्वारिका आकर श्री कृष्ण से ये बात कही तो श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें मेरी ही गलती है, आप हनुमान से कहना कि द्वारिका में भगवान श्री राम और माता सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने उठ चले। इधर भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ, और स्वयं श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को भी आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न कर पाए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। इधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं, आपको बुला लाने की आज्ञा है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, यह जल्दी कैसे पहुँचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारिका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वह महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान जी विराजमान थे जो उनसे पहले ही महल में पहुँच गए थे। यह देख कर गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी भगवान श्री राम के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर पाए, क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तभी हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है, इसीलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे प्रभु श्री राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़, इन तीनों का घमंड चूर चूर हो गया था। वह भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गई। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर कर दिया। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये खास प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।